शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। परमात्मा को यदि जन्म लेने वाला माने तो ऐसे परमात्मा को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे परमात्मा को मानना न मानने के बराबर, क्योंकि परमात्मा तो हम उसको देख रहे हैं जिसने इस सबको बनाया है, जो आदि कारण है, जो सबका उत्पन्न करने वाला है, जिसको खुद को दूसरे ने बनाया है, तो सर्व प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम नहीं हो सकता। हम उसके प्रति अंतिम रूप से समर्पित नहीं हो सकते जिसको किसी और ने बनाया है, क्योंकि जिसने उस परमात्मा को बनाया है वो परमात्मा से अधिक शक्तिशाली होगा, वो परमात्मा से अधिक अधिकार वाला होगा, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है। तो बनने वाले परमात्मा को मान करके भी करेंगे क्या हम? हमें जो पूर्ण समर्पण करना है वो उसके प्रति हो सकता है जो अज हो, उत्पन्न ना हुआ हो। वैसे तीन पदार्थ अज हैं, परमात्मा भी और हम जीवात्माएं भी। हम शरीर तो धारण करते हैं, इस रूप में तो हम जन्म लेते हैं, लेकिन मूल तत्व हमारा नित्य है, और इसी तरह इस कार्य जगत का मूल तत्व प्रकृति भी अज है, इसलिए उसे अजा कहा जाता है। इन तीन अज में एक अज परमात्मा भी है। यदि हम अपने को तो नित्य मान लें, चेतना को नित्य मान लें, लेकिन परमात्मा को नित्य ना माने, परमात्मा को अनुत्पन्न ना माने, परमात्मा के बाकी सारे गुण, उसकी आज्ञाएं हमारे लिए सदा सदा के लिए नहीं रहेंगी, और हम उसके प्रति वो समर्पण नहीं ला सकते जो परमात्मा को अज मानने पर ला सकते। परमात्मा को अज मानने का मतलब है उसके जितने गुण हैं वो उसके अपने हैं, स्वाभाविक हैं, किसी के द्वारा दिए हुए नहीं हैं, उसने कहीं से प्राप्त नहीं किए हैं, उस स्वयं में ऐसा ही है, और अज के साथ उसकी नित्यता जुड़ी हुई है, उसके समस्त गुणों की नित्यता जुड़ी हुई है, समस्त स्वभाव की नित्यता जुड़ी हुई है। इसलिए परमात्मा अज है, ये उसका स्वरूप होते हुए भी हम उसको संबोधित करते हैं, हमारे लिए वो आवश्यक है। यदि परमात्मा को शरीर धारण करने वाला मान लिया जाए तो परमात्मा के प्रति हम वो आदर नहीं ले सकते। जिसने भी शरीर को धारण किया है हम देखते हैं वो परतंत्र है, वो दूसरों के आश्रित हैं, उसे दूसरों का सहयोग लेना ही होता है। कितना भी बलवान, कितना भी धनवान, कितना भी जानवान हो, उसे अन्यों से जान, बल, धन की सहायता लेनी ही होती है, कुछ ना कुछ सहयोग लेना ही होता है, पराश्रित होना ही होता है। तो परमात्मा को यदि हम शरीर धारण करने वाला, अवतार लेने वाला मानेंगे तो परमात्मा के प्रति वो श्रद्धा हम नहीं कर सकते। और शास्त्र तो कहते ही हैं परमात्मा अकायम है, शरीर रहित है, और यदि युक्ति से भी सोचें तो परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? यदि हम ये मान लें कि परमात्मा अज है अर्थात नित्य है, उत्पन्न नहीं होता,
जैसे कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम अज आत्माएं अनुत्पन्न होते हुए भी शरीर को धारण करती हैं, ऐसे ही परमात्मा भी अनुत्पन्न होते हुए भी शरीर को धारण करने वाला हो सकता है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। तो बात आएगी कि परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है, क्यों जन्म लेगा वो। हमारे जन्म की व्यवस्था तो परमात्मा के द्वारा की गई है और तदनुरूप इस सृष्टि में जन्म हो रहे हैं। परमात्मा के जन्म लेने की, धारण करने की व्यवस्था किसने की है? किसी और ने अथवा परमात्मा ने स्वयं ने? और यदि परमात्मा की व्यवस्था किसी और ने की है तो फिर वो सर्वोत्कृष्ट नहीं है, कोई और उच्च शक्ति है जो परमात्मा को भी शरीर धारण के लिए व्यवस्था देती है। और यदि परमात्मा ने स्वयं धारण किया है शरीर तो क्यों धारण किया है, उसका अपना क्या प्रयोजन है? हम अच्छे शब्दों में कहें कि धर्म की स्थापना के लिए बहुत अच्छा प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य धर्म की स्थापना करे बहुत पूजनीय है वो। परमात्मा जन्म क्यों लेता है, अवतार क्यों लेता है? अधर्म के नाश के लिए, बहुत बड़ी बात है। जो मनुष्य अपना जीवन अधर्म के नाश के लिए लगाता है वो पूजनीय होता है, वो सबका हित करता है। लेकिन परमात्मा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्म ले, इसकी उसको क्या आवश्यकता है? वो जब सर्वशक्तिमान है, यदि उसे धर्म की स्थापना इस ढंग से करनी है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। अवतारों में धर्म की स्थापना के हेतु और अधर्म के नाश के लिए जो भी स्वरूप बताए जाते हैं कि अच्छा, जिनको हम अवतार मानते हैं, शरीर धारण किया भगवान ने, तो धर्म की स्थापना उन्होंने कैसे की? धर्म की स्थापना के लिए आए, कैसे की धर्म की स्थापना? किसी को उपदेश दिया? वो उपदेश तो परमात्मा बिना शरीर धारण किए भी दे सकता है। जब वो सर्वव्यापक है, अंतःकरण में विद्यमान है, शरीर धारण करके जैसा हम उपदेश दे सकते हैं उससे अधिक अच्छी तरह उपदेश वो बिना शरीर धारण किए दे सकता है, सीधे अंतःकरण में बैठा सकता है एकदम से। जिन्होंने अवतार लिए वो और कैसे धर्म की स्थापना करते हैं? अच्छे लोगों की रक्षा करके। अच्छे लोगों की रक्षा करनी है तो परमात्मा वैसे भी कर सकता है। वैसे परमात्मा ने अच्छे लोगों को इतना श्रेष्ठ बनाया है कि वो स्वयं कर सकते हैं रक्षा। और अधर्म का नाश कैसे करा? तो दुष्टों का नाश करके। तो परमात्मा यदि चाहे तो दुष्टों का वैसे भी नाश कर सकता है, वो जब चाहे जिस शरीर से आत्मा को निकाल सकता है, उसी ने तो आत्माओं को भेजा है शरीरों में, वही तो स्थापित करता है, जब चाहे वहां से निकाल सकता है। और आत्मा के पास में कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने को बचा सके, इस शरीर से मैं नहीं निकलूंगा, परमात्मा निकालना चाहे और मैं नहीं निकलूंगा, हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा के लिए ये कोई कार्य ही नहीं है, नगण्य है अगर वो ऐसा करना चाहे। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, वो न्यायकारी है, कर्मफल व्यवस्था बनाई है, इसलिए परमात्मा इस रूप में कभी नहीं करता। सज्जनों को रक्षा करनी है तो उन्हें स्वयं करनी है, ये उनका कर्तव्य है। परमात्मा उनको जो सहयोग देता है ज्ञान आदि का, वो अलग तरीका है। लेकिन अभी कोई सज्जन है तो उसका अपना कर्तव्य है, वो अपनी रक्षा करे, व्यवस्था करे,
और कोई व्यक्ति यदि दुष्ट है, असाधु है, लोगों को पीड़ा देता है, तो भी परमात्मा आके उसको रोकता नहीं है, उसने कर्म की स्वतंत्रता उनको दे रखी है। ऐसे में एक तरफ परमात्मा कर्म की स्वतंत्रता दे मनुष्यों को, और दूसरी तरफ स्वयं शरीर धारण करके उन्हें इन कर्मों को करने से सीधे सीधे स्वयं रोके, ये परमात्मा के लिए तो संगत नहीं लगेगा। हाँ, परमात्मा ने उपदेश दे रखा है मनुष्यों को कि श्रेष्ठ सज्जनों का सहयोग करें, दुष्टों की हानि करें, दुष्टों को रोकें, ये उसने मनुष्यों को ही अन्यों को दे रखा है उपदेश, वो इस कार्य को करते हैं, इस रूप में वो तरीका है। लेकिन परमात्मा को इन कार्यों के लिए शरीर धारण की आवश्यकता नहीं है। तो यदि माना जाए कि परमात्मा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए शरीर धारण करता है, तो वो कैसे धर्म की स्थापना करता है और कैसे अधर्म का नाश करता है, उसके जितने रूप हैं वो तो वो वैसे भी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा तरीका था धर्म की स्थापना करने का जिसको परमात्मा शरीर धारण किए बिना कर नहीं सकता था, ऐसी कौन सी बात है? वो ऐसा कौन सा उपाय था जो शरीर धारण करके ही वो दुष्टों को नष्ट कर सकता था, बिना शरीर धारण के नहीं कर सकता था, वो ऐसी कौन सी परिस्थिति है, वह ऐसा कौन सा दुष्ट है जिसको वो नष्ट नहीं कर सकता? तो वो हमें विचार करने पर, खोजने पर कुछ नहीं मिलता। तो परमात्मा को अज हम स्वीकार करें करना होता है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी है, परमात्मा को सत्य रूप में स्वीकार करना है, तो उसको अज मानना होगा, नहीं तो दूसरे गुण उसमें स्वीकार नहीं किए जा सकते, अथवा अंतर विरोधों से युक्त होकर हम परमात्मा को मानेंगे, ये भी मान लिया वो भी मान लिया, विपरीत धर्मों से युक्त मानेंगे, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी संगत नहीं लगेगा, जागरूक व्यक्ति को कभी संगत नहीं लगेगा। और परमात्मा को यदि हम जन्म लेने वाला, शरीर धारण करने वाला मानते हैं, तो हमारी तरह ही हम उसको तो परमात्मा को हम हमारी तरह ही बहुत कुछ मानने लग जाएंगे और परमात्मा पे बहुत सारे दोषारोपण करने लग जाएंगे, जैसा कि अवतारों पर भी विभिन्न दोषारोपण उन्हीं लोगों ने कर दिए जो उनको भगवान मानते हैं। क्योंकि जो इस स्तर पर उतर आया है कि परमात्मा को शरीर धारण करने वाला मान रहा है, उसका सोच ही ऐसा है कि वो इसके बिना परमात्मा को कार्य करने वाला स्वीकार नहीं कर पाता, इस स्तर पे जो जी रहा है, जिसकी समझ ऐसी है, तो सहजता से अन्य मनुष्यों में जैसे दोष होते हैं, जैसे व्यवहार होते हैं, वैसे वो परमात्मा पे भी आरोपित कर देते हैं। और परमात्मा को अवतार वाला मानने वाले लोगों ने ही उसके प्रति जितनी निंदा की है, गलत आक्षेप लगाए हैं, उनको इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि दूसरे व्यक्ति कहेंगे कि ये अवतार भगवान है, तो ऐसे अवतार को, भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे लिए पूज्य आदरणीय नहीं हो सकता। तो ईश्वर का सच्चा भक्त तभी व्यक्ति बन सकता है जब परमात्मा को, ईश्वर को अज माने। अज के रूप में ही परमात्मा की हमें उपासना करनी है, आराधना करनी है, उसको स्वीकार करना है। इसलिए संबोधनों में ये भी संबोधन एक दिया, हे अज, अज नहीं मानेंगे तो परमात्मा को मानेंगे ही नहीं, या तो विकृत रूप से मानेंगे। तो परमात्मा का अस्तित्व भी हमें स्वीकार करना है तो वो अज के रूप में, और उसे शुद्ध रूप में स्वीकार करना है तो भी उसे अज हमें
मानना होगा। परमात्मा को अनुत्पन्न शरीर धारण ना करने वाला हम स्वीकार करते चलें। शरीर धारण करने वाला यदि मानने लगेंगे तो एक दोष और आएगा कि हम किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके जो हमसे बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, हम उसको भगवान मानने लग जाएंगे। कोई इसको मान लेगा, कोई उसको मान लेगा, क्योंकि उसे यह तो पता नहीं कि यह शरीर धारण किया है वो कौन सा भगवान ने शरीर धारण किया और कौन सा बिना भगवान ने धारण किया है। तो जो जो भी श्रेष्ठ दिखाई देगा, जो जो भी जिस जिसके प्रति वो नतमस्तक होगा, उस सबको वो भगवान मानने लग जाएगा। पर ऐसा हो रहा है, बहुत सारे भगवान हो गए हैं। तो सच्ची भक्ति के लिए परमात्मा को हम अज रूप में ही देखें। शरीर धारण किए हुए किसी व्यक्ति को ईश्वर या भगवान कभी ना माने। वो श्रेष्ठ है, उनको श्रेष्ठ माने, उनके प्रति आदर रखें, लेकिन उनको भगवान कभी ना माने। ये भावना मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण, ओम का उच्चारण।